ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे नख और केश उपजते भी हैं और नाश भी हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत उपजता भी है और लीन भी हो जाता है। जैसे नख और केश के उपजने और काटने से शरीर ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही जगत के उपजने और लीन होने में आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। हे राम जी, यह जगत उपजा नहीं तो उसमें सत्य और असत्य, कल्पना और स्मृति क्या कहिए, और भीतर और बाहर क्या कहिए। अद्वैत सत्ता में कुछ कल्पना नहीं बनती। जो तुम कहो कि स्मृति भीतर होती है परंतु भीतर से बाहर दिखती है, तो भीतर अनुभव की अपेक्षा से हुई है, वह भी उत्पन्न नहीं हुई। तब मैं भीतर और बाहर क्या कहूँ। जैसे स्वप्न सृष्टि भासित होती है सो वह अपना ही अनुभव होता है और वही सृष्टि रूप दिखता है, वहाँ तो भीतर बाहर कुछ नहीं है। वैसे ही यह जगत भीतर बाहर कुछ नहीं है, सब भ्रम रूप है। जिसको इच्छा कहते हैं उसे ही स्मृति कहते हैं। विद्या अविद्या, इष्ट अनिष्ट आदि सब शब्द सब आत्मा के ही नाम हैं। आत्मा से भिन्न और पदार्थ कुछ नहीं है। हे राम जी, जाग कर देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। मिथ्या भ्रम को अंगीकार करके भिन्न क्यों देखते हो। सब शब्द बिना अर्थ के कहीं नहीं है, और शब्द अर्थ का विचार संकल्प से होता है। संकल्प तब उठता है जब चित्त में अहम अभिमान होता है। उस चित्त को आत्मसार में लीन करो। जब चित्त का निर्वाण करोगे तब सब जगत शांत हो जाएगा। अहम के दर्पण में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है, जगत कुछ वस्तु नहीं। जब चित्त निर्वाण हो जाएगा तब सब द्वैत कल्पना मिट जाएगी। यह जो मोक्ष शास्त्र मैंने तुमसे कहा है, इसके अर्थ कर विचार कर संकल्प को त्याग कर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित हो रहो।